हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ आफ द लास्ट वीक सो so ये टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमारा जो प्रिलिम्स का क्रैश कोर्स है वो लाइव है और अभी हमने क्या किया है यू कैन ऑल्सो इनरोल इन द सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स ठीक है फॉर इंस्टेंस अगर आप इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स बहुत ही नॉमिनली प्राइज्ड Uh, एक हमारा मॉड्यूल है उस पर आप ले सकते हैं एंड इन फैक्ट हम सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं सो विच बिकम्स वेरी यूजफुल स्पेशली अब क्योंकि प्रिलम्स uh, मेरे ख्याल से तो इनविटली पोस्टपोन होगा ही आ, लेकिन कब होगा मे बी विल नो इन अ डे और टू सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस क्रैश कोर्स मोर देन एवर नाउ तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट है स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम उसमें विजिट कीजिए और कोई इशू आ रहा है तो सिक्स टू एट जीरो वन डबल थ्री वन डबल सेवन ये हमारा नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो so शुरू करते हैं पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के साथ सो so, सबसे पहले जो कॉप ट्वेंटी सिक्स है दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑफ यू एन एफ सी सी जो कि डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में होना था इन यू के हेज़ बीन पोस्टपोन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है अब एलेवेंथ सेशन हुआ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का अब ये वर्चुअली हुआ पहली वर्चुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मतलब कि ऑनलाइन हुई पहली बार इसका एलवेंथ सेशन था ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एथ अप्रैल को हुआ जिसमें तीस कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जिनमें से इंडिया भी एक था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रिप्रेजेंट किया हमें और यहाँ पे डेलिब्रेट किया गया या डिस्कस किया गया कि कैसे कोविड नाइन्टीन से जो चैलेंजेस हो रहे हैं चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो या सोसाइटी लेवल पर हो उनको कैसे हम यू नो वी कैन कंटेन और वी कैन मैनेज दोज चैलेंजेस एट द सेम टाइम कैसे हम क्लाइमेट चेंज के प्रति जो हमारा रिजिलियंस है उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कैसे क्लाइमेट एक्शन को तेज कर सकते हैं एंड ऑल्सो सपोर्टिंग दोस्ट विच आर मोस्ट वनडरेबल राइट ये पहला वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग था और इट हैज बीन होस्टेड बाय जर्मनी सिंस 2010 सो so 2010 से जर्मनी होस्ट कर रहा है एंड इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशंस ठीक है जो कि बोथ फ़ोकस करती हैं एक तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस पे ठीक है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज uh, को कैसे उसके लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनको कैसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एक्शन है उसको कैसे हम फास्ट uh, ट्रैक कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं और कैसे क्लाइमेट एक्शन को और एडवांस कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए सो इट इज़ एन इनफॉर्मल फोरम फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अभी ये जर्मनी ने तो कोचेयर किया ही था उसके अलावा यूके ने भी किया था जो कि कॉप ट्वेंटी सिक्स की, की प्रेसिडेंसी जिसके पास है बट लाइक आई सेट कि ट्वेंटी ट्वेंटी से अब ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होगा राइट देन इट्स सो पार्टिसिपेशन फ्राम द मिनिस्टर्स एंड रिप्रजेंटेटिव ऑफ अबाउट थर्टी कंट्रीज और उसके अलावा जो एन जी ओज हैं जो डिफरेंट uh, और स्टेक uh, होल्डर्स हैं दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सॉलिडारिटी दिखाई कि हाँ सबको कोविड नाइन्टीन को, को कर्ब करने के लिए सबको कलेक्टिवली काम करना है और सस्टेनेबल कंसेप्ट कंजम्पन पैटर्नस अडॉप्ट करने हैं इंडिया ने बोला कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी लेकर आओ ताकि सारी कंट्रीज यूज़ uh, कर पाए उसका और अफोर्डेबल प्राइस पर यूज़ कर पाएँ ठीक है क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई इंडिया ने अपनी एन को हाईलाइट किया और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को हम इन्हांस कर सकते हैं ठीक है सो so, थोड़ा जेनरिक था ये देन नेक्स्ट इज ओजोन लेयर ओवर आर्कटिक सो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो ई का कैम्स है कॉपर नेक नेकस एटमोसफेयर मोनिटरिंग सर्विस उसने बोला कि जो होल था आर्कटिक ओजोन लेयर में दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इट हैज़ क्लोज राइट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसलिए नहीं बंद हुआ क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने लॉकडाउन से इम्पोज किए हैं उस वजह से पोल्यूशन कम हो गया बल्कि ये बंद हुआ क्योंकि पोलर वोटेक्स था ठीक है सो पोलर वोटेक्स क्या है लो प्रेशर को माना जाता है इट इज़ इन ए लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर विच सराउंड्स दी अर्थ एट बोथ द पोल्स ठीक है एंड ये क्या होते हैं ये विंटर के दौरान स्ट्रेंथन हो जाते हैं और समर के दौरान वीकेंड हो जाते हैं और uh, जो वीकर होता है मोस्टली आर्कटिक पे बिकॉज लैंड इज प्रेजेंट एंड दैट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स जो ये पोलो वोटिक्स है उसको कंपेयर टू द अंटार्टिका वन जो अंटार्टिका में जो पोलो वोटिक्स है वो बड़ा रहता है तो उस वजह से कहते हैं क्योंकि पोलो वोटिक्स उस वजह से ये क्लोज हुआ है उसके बाद ओजोन होल के बारे में जैसे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन से लिया है ये मैंने तो ओजोन होल के बारे में बताया गया है ओजोन लेयर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया दैट वी हैव डिस्कस्ड बहुत बार ठीक है सो नेक्स्ट इज दिंग पिटकाई एलिफेंट रिजर्व सो अभी क्योंकि हमें पता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन है सो एन बी डब्ल्यू एल हैज रिकमेंडेड कोल माइनिंग इन ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन असम ठीक है सो एन बी डब्ल्यू एल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंड कर दी है कोल्ड माइनिंग इन एलिफेंट रिजर्व इन आसाम सो बेसिकली जो ये uh, प्रपोजल था इट वॉज डिस्कस्ड ठीक है और इट द प्रपोजल वॉज यूज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली नाइंटी एट हेक्टर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द सलेकी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर अ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट बाई एन ई सी एफ विच इज़ अ यूनिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ठीक है अब जो सलेकी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ देहंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व ठीक है सो अब इट इंक्लूड्स द पटकाई वाइल्ड लाइफ विच कवर्स बहुत ज़्यादा रेन फ़ॉरेस्ट है अप्रॉक्सीमेटली एक सौ ग्यारह स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट इन सेवरल रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ सागर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम ठीक है सो इसमें देखो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें सो मोर देन के कोल माइनिंग को रिकमेंड किया गया विच कुड बी अ मेन्स क्वेश्चन ठीक है कि जो एन बी डब्ल्यू एल है उसका रोल क्या है यू नो इन इन यू कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट उसमें ठीक है तो एक तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अगर हम प्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो एन बी डब्ल्यू एल के बारे में आपको पता होना चाहिए और देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है सो so, ये कहाँ पर है कभी कभी एज सिंपल क्वेश्चन कि ये कहाँ पर है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है इज़ ऑल्सो आस्ट सो इट्स एज सिंपल एज डेट ठीक है सो असम में है ये बट अगर आप देखो तो अरुणाचल के बहुत ही करीब है ओके सो अब दिंग इज द नेम ऑफ द रिवर विच फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट एंड पटकाई इज द हिल ठीक uh, है हिल है जहाँ जिसके फोर्ट हिल्स पे ये सेंचुरी है एंड इट इज़ दी लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं एंड इट इज़ दी लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ़ ट्रॉपिकल लो लैंड फॉरेस्ट इन इंडिया और इसको बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक और लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का तो इसको एमेज़ोन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है देहंग पटकाई एलिफेंट रिज़र्व को ठीक है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोना मिलता है चाइनीज़ पैंगुलन मिलता है देखो इंडियन पैंगुलन तो इंडिया में मिलता ही है चाइनीज़ पेंगुलन भी इंडिया में मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था अभी हमने जो रिविजन सीरीज़ है उसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलता है कहाँ पर देहंग पिटकाई में यहाँ पर मिलता है ठीक है और उसके अलावा इसको ना जयपुर देहिंग लो लैंड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है जयपुर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें और यहाँ पे ना सेवन कैट्स जो सेवन स्पीशीज़ हैं ऑफ़ रेयर एंड एलूसव कैट्स जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड मार्बल कैट गोल्डन कैट टाइगर लेपर्ड लेपर्ड कैट जंगल कैट यहाँ पर सात स्पीशीज़ मिलती हैं कैट्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो यू कैन एक्चुअली सी कि कितना ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया है यहाँ पर यहाँ पर एन बी कह रहे हैं कि आप कोल माइनिंग कर लो तो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है सो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है फोर लेयर्ड रेन फॉरेस्ट है जो हम चार लेयर्स पढ़ते हैं ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है यहाँ पर आपको मिलती है उसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप ऑर्किड्स और ड्रोमिलिया के बारे में पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर हलॉन्ग ट्री मिलता है विच इज़ ऑल्सो द स्टेट टी ऑफ असाम और ये एमरजेंट लेयर है में दिखता है सो दिस इज़ द ट्री तो आप देख सकते हैं इमर्जेंट लेयर में ये दिखता है ये वाला ट्री जो स्टेट uh, स्टेट ट्री ऑफ असम भी है उसके बाद एन बी डब्ल्यू एल इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है स्टैटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी एक्ट के अंदर डब्ल्यू पी ए नाइनटीन सेवेंटी टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये एडवाइजरी है ये सिर्फ एडवाइजरी है और एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फॉर द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ़ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री

उसके बाद नेक्स्ट है गंगा वाटर क्वालिटी अब वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस प्री क्योर में भी कि यमुना वाटर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूवड ठीक है एयर पोल्यूशन कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बट अनादर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि गंगा का पोल्यूशन इतना रिड्यूस नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई सी पी सी बी डी ओ कंसन्ट्रेशन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो uh, में डिस्कस किया था प्री क्योर के कि डी ओ मेजर होता है अगर डी ओ ज़्यादा है मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है रिवर में ठीक है और इट इज़ गुड फॉर द वाटर क्वालिटी डी ओ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर क्वालिटी अब वो इतना नहीं बढ़ा है और हाई डी ओ वैल्यू इज कंसिडर्ड अ गुड इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ बी ओ डी और सी ओ डी अगर ज़्यादा है मतलब कि ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पल्यूशन इज हाई है ना तो उसका मतलब सिंपल इतना है कि अगर बी ओ ज़्यादा है तो वेस्ट ज़्यादा है और अब डी बढ़ना चाहिए वाटर क्वालिटी इम्प्रूव होने के लिए और बी ओ कम होना चाहिए तो डी ओ बड़ा है लेकिन बहुत ही कम बड़ा है और जो बी ओ डी सी ओ डी कम हुए लेकिन बहुत ही कम है सो दीज आर इनसिग्निफिकेंट ठीक है सो अब बी ओ डी सी ओ डी कम मतलब कि वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है पल्यूशन अगर हम गंगा में बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा है और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ठीक है और यमुना में देखो इम्प्रूव हुई थी क्वालिटी ये हमने लास्ट वीक प्रीक्योर में डिस्कस किया था अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें जाके उसको रिविजिट कर सकते हैं देन एरोसोल लेवल्स ठीक है अब एरोसोल लेवल्स जो है ट्वेंटी ईयर लो अभी जो नासा ने बताया है हमें उसने नासा ने डेटा रिलीज किया है जिसे पता चला है कि एरोसोल लेवल्स हैव हाँ प्लमिटेड टू तो ट्वेंटी ईयर लो राइट अब इन्होंने बताया कि ये हो सकता है कंट्री वाइड लॉकडाउन की वजह से हुआ हो ठीक है अब डेटा पब्लिश विद मैप्स शो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ इन 2020 एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होता है वो हम देखते हैं सो so डेटा ने शो किया है कंपैरिजन एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ इन 2020 ट्वेंटी कंपेयर टू दी एवरेज फॉर 2016 एंड 2019 अब एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ होती है कि कैसे लाइट इज ऑब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय द एयरबॉर्न पार्टिकल्स एज इट ट्रैवल्स थ्रू द एटमोसफेयर तो जब लाइट पास करती है एटमोसफेयर से तो कितनी वो ऑब्जॉर्ब होती है या कितनी वो रिफ्लेक्ट होती है वो होता है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ तो अगर एरोसोल सर्फिस के पास है ना सो अ डेप्थ ऑफ वन और मोर इंडिकेट्स हेजी कंडीशनस ठीक है एंड लेस देन पॉइंट वन इंडिकेट्स एयर इज़ क्लीन ठीक है सो एक तरह से एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ को अगर हम मेजर uh, करें तो हमें पता चल जाता है कि एयर क्लीन है अगर लेस देन पॉइंट वन है तो क्लीन है एयर और अगर वन से ज़्यादा है तो एयर हेजी है ठीक है तो आपको ना प्री में ये पूछ लेते हैं पूछा जा सकता है कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है और कितनी क्या क्राइटेरिया है एयर क्लीन और हेसी का ठीक है अब ये जो डेटा है ये मॉडल्स uh, जो नासा की टेरा सेटेलाइट पे है उसने रिट्रीव किया है ठीक है सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आस कि कौन सी सैटेलाइट यूज़ हुई है और ए डी के बारे में बता पता होना चाहिए आपको ये कुछ नई चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में मुझे मिली देन इट इज़ ऑल्सो इन लाइन विथ सफ़र ठीक है विच ऑल्सो फाउंड रिडक्शन पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल इन मेजर सिटीज़ ठीक है बट सदरन इंडिया में अभी भी हेजियर है एंड दे हैव नॉट येट डिक्रीज़ टू द सेम एक्सटेंट और कहीं कहीं तो थोड़े ज़्यादा भी हैं ठीक है सो दिस इज़ नॉर्थ इंडिया में दे हैव प्लामेटेड टू द लोवस्ट इन 20 ईयर्स बट साधारण इंडिया में नहीं है इसके बारे में ज़्यादा इस आर्टिकल में बताया नहीं था क्यों नहीं है सो so, उन्होंने बस जेनब्रिक सी एक स्टेटमेंट दे दी थी, थी कि वेदर पैटर्न एग्रीकल्चर फायर्स वगैरह की वजह से हो सकते हैं बट ज़्यादा कुछ नहीं पता बट नान द लेज वॉट इज़ मोर इम्पॉटेंट इज दैट यू शूड नो वट मोर्ड इज़ ठीक है और ए के बारे में देन साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम सो इसको सैसकॉफ के नाम से जाना जाता है और ये इन्होंने आ, ये जो फोरम है इसका भी सिक्सटीन स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी और इन्होंने ये बताया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो नॉर्मल रहेगा अब ये जो है इट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ साउथ एशियन एक्सपर्ट्स ठीक है और ये इन्होंने रिव्यू किया एल नीनो सदर नासीशन को लानीना को एंड आई ओ डी को इसके इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है यू मस्ट हैव डन दिस इन योर जोग्राफी आई लाइक लिटरली मैं बैक करती हूँ कि इन तीनों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अभी आप लाइक आई एम गोइंग थ्रू दिस यू कुड यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि क्या है ठीक है विच इन्फ्लुएंस द रेनफॉल ओवर द रिजन इन्होंने बताया कि फेवरेबल कंडीशन है फॉर अ नॉर्मल मानसून सीजन ठीक है और एनजो का भी वार्म फेज चल रहा है लेकिन वो वीकन हो जाएगा ड्यूरिंग मानसून ठीक है सो so, अगर हम सैस्कॉफ़ की बात करें सो इट इज़ अ कंसोशियम ऑफ मेटेरोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स फ्राम साउथ एशियन कंट्रीज जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं हमारी आठों की आठों वो पार्ट हैं इसका ठीक है और दे व कलेक्टिवली टू इश्यू रीजनल फोरकास्ट एंड यू नो फोरकास्ट फॉर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून एवरी ईयर ठीक है आईडली दे मीट अ हेड फॉर प्रिपेयरिंग द फोकास्ट बट इस साल नहीं उन्होंने दे डिट मीट और उसके बाद डब्ल्यू एम ओ से भी हेल्प ली जाती है और डिफरेंट ऑरिजिन की से हेल्प ली जाती है सो सैसकॉफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजनल फोरकास्ट राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस वीक्स प्री क्योर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर लिखेगा थैंक यू